दिखाई दे रही है, बसेस से पहुंच गए हैं जो मेंबर है वो वोटिंग के लिए। सबसे पहले कौन पहुंचा ये जानते हैं शिवेंद्र से। शिवेंद्र, अरे भाई हट जा यार। अच्छा, अभी वहां पर क्योंकि हलचल बहुत तेज है, इंतजार लगातार किया जा रहा था, पहले कौन से मेंबर वहां पर पहुंचते हैं, किसके मेंबर्स पहुंचते हैं बीजेपी के, अभी कांग्रेस के, कौन सी पार्टी से आए तो बताइए आप। एक बार कौन सी पार्टी के मेंबर हैं अंदर, कौन सी पार्टी के मेंबर हैं अंदर, कौन सी पार्टी के मेंबर हैं। अजी आप एक बार कांग्रेस बताइए तो सही, अंदर कौन सी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के मेंबर है, अंदर जो मेंबर है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, बताइए सर। कांग्रेस की जीत होगी और जनता की जीत होगी। कितने मेंबर आए हैं सर? पूरे मेंबर है 27 के 27, पूर्ण बहुमत के साथ में। मान के चले कि बहुमत का आंकड़ा 7 लेकर आए हैं। बिल्कुल कांग्रेस की जीत होगी। गेट खोलना, गेट एक बार गेट खोलवाना। बसों में भर करके इनको लाया गया है यहाँ पर, अंदर जाकर के वोटिंग करेंगे। अब बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन हो गए, यकीन मानिए पंचायत चुनाव के हैं, लेकिन ये बहुत कुछ आगे जाकर के तय करने वाले हैं, इसीलिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गज हों या फिर कांग्रेस के हों। इस बस में कांग्रेस के जो मेंबर्स है वो है, ये कहा जा रहा है 27 के 27 मेंबर इसमें है, दावा ये कि जीत होगी कांग्रेस की, कांग्रेस का ही बनेगा। जैसे महेश जोशी ने संकेत दिए थे कि कांग्रेस के मेंबर सबसे पहले पहुंचेंगे, तो कांग्रेस के सभी मेंबर इस बस के अंदर हैं। अब ये नहीं पता कि इस बस के अंदर कितने लोग हैं, एक 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 मेंबर ने दावा जरूर किया है कि सारे 26 लोगों को वो लेकर आए हैं, लेकिन ये अब देखने वाली बात है कि क्या बहुमत का आंकड़ा इस बस के अंदर है या नहीं। लेकिन तमाम जो लोग हैं वो बस के अंदर है, कितने लोग हैं अंदर कुछ पता नहीं चल रहा, बाहर आवाज़ नहीं जा रही, कैसे जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। दीपा, बिल्कुल जो दावा शिवेंद्र यहाँ पर किया जा रहा है, तो फिर उसके बाद इस दावे के बाद तो बीजेपी के पास कुछ बचता ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं बचता। अगर 27 के 27 मेंबर हैं यहाँ पर कांग्रेस के पास में, तो फिर अब बीजेपी क्या करेगी, जो दावा वो तो फिर हवा हवाई दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तो सिर्फ दावा ही है दीपा, दावा है, दावों का क्या, ये तो पता जब चलेगा जब ये लोग नीचे उतरेंगे और हम लोग गिनती करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर कांग्रेस की रणनीति को आप समझिए कि बस उनकी आई जरूर है, लेकिन अभी भी जो जिला परिषद के मेंबर हैं उनको नीचे नहीं उतारा गया, उनको बस के अंदर रखा गया है और यहाँ जो रोड है उस पर जाम की स्थिति है और अब उनको लाया जा रहा है प्रमुख गेट की तरफ। मैं उसी गेट पर मौजूद हूँ जहाँ से जिला परिषद के जो सभी मेंबरान हैं वो अंदर दाखिल होंगे और किसी भी समय जो कांग्रेस के मेंबर हैं वो अब अंदर आएंगे वोट करने के लिए। उस वो जो बस है जिसमें कांग्रेस के मेंबर आए हैं, उस बस को सही पोजीशन पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और थोड़ी ही देर में जो सभी जिला परिषद के मेंबर हैं कांग्रेस के, जो विक्ट्री का निशान भी बना रहे हैं अंदर से, ये थोड़ी देर में वोट करने के लिए पहुंचेंगे और जब ये लोग पहुंचेंगे तभी पता चल जाएगा। दीपा, हम कोशिश करेंगे, हालांकि इतनी भीड़ में, ऐसे माहौल में लोगों की गिनती करना बहुत मुश्किल है कि कैसे इन लोगों की गिनती होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर उसी बात पर वापस आऊँगा कि जितने लोग इस बस में दिख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे लोग कांग्रेस के फेवर में वोट करें, क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। जब रमा देवी पाला बदल के बीजेपी में जा सकती है तो क्रॉस वोटिंग तो कुछ भी हो सकती है क्रॉस वोटिंग। और यहाँ पर देखिए सुरक्षा का घेरा, अब ये बात भी बहुत सोचने वाली है कि जब सब प्रत्याशी कांग्रेस के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, ये बात दोनों के लिए लागू होती है, बीजेपी या फिर कांग्रेस, जब पार्टी के साथ में सभी प्रत्याशी हैं तो फिर छुप छुपा करके बसों में भर करके उनको लेकर के आना, एक एक करके अंदर भेजना, वोटिंग करा करके बाहर लाना, ये सब क्यों होता है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जब प्रत्याशी पार्टी के साथ में है तो फिर कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहती है पार्टियां? रमा देवी ने दे दिया है दीपा, अगर रमा देवी बागी नहीं होती तब ये देखिए यहाँ पर जो अब लोग हैं उनका आना शुरू हो गया है। बद्री बागड़ा यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही हैं। क्या लग रहा है बद्री जी, जीत रही है पुत्रवधू आपकी चुनाव? बद्री जी बताइए, पुत्रवधू चुनाव जीत रही है आपकी? सब जीतेंगे। लेकिन रमा देवी ने तो कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर किसी भी समय दीपा जो कांग्रेस के जिला परिषद के सदस्य हैं बाहर आएंगे और मुमताज मसीह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो प्रभारी बनाए गए थे इस चुनाव में, वो इन लोगों को देख रहे हैं। मुमताज जी कितने लोग हैं अंदर? बन जाएगा जिला प्रमुख आपका? लेकिन रमा देवी ने तो नुकसान पहुंचा दिया सर, जिस तरीके से बिल्कुल बनेगा। मुमताज मसीह जो जिला के प्रभारी हैं जयपुर के, उन्होंने दावा किया है कि जरूर उनका जिला प्रमुख बनेगा और वो सबसे पहले तस्वीरों में नजर आए हैं। उनके बाद दीपा जो कांग्रेस के जिला परिषद के मेंबर है वो अब उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कालरा बस सर्विस, जो बस हमको सरकार
संकट में थी उस बारेबंदी में नजर आई थी, राज्यसभा के चुनावों में नजर आई थी, वही बस जिला परिषद के सदस्यों को भी लेकर पहुंची है। और एक एक करके सबसे पहले निकले हैं मुमताज मसीह, जो कि प्रभारी बनाए गए थे, वो खुद इस बस में सवार होकर आए। और मुमताज मसीह के बाद अब जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले दर्शक फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं, बहुत मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर एक नज़ारे को हम कैमरे में कैद कर दिखाएंगे, दर्शकों तक पहुँचाएंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस के मेंबर हैं वो वोट करने पहुँच रहे हैं जिला परिषद के अंदर। और अब किसी भी समय जो बाकी के मेंबर हैं उनका यहाँ से निकलने का जो सिलसिला है दीपा वो शुरू होगा। हालांकि मुमताज मसीह ने भी, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप कितने लोगों को बसों में लेकर आए, देखिए यहाँ पर पहले मेंबर वोट करने के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं, पहले मेंबर दीपा आप तस्वीरों में देख रहे हैं, शंकरलाल सैनी यहाँ पर पहुंचे हैं, ईडीएम वो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब कौन से वार्ड से मेंबर हो, कौन से वार्ड से मेंबर है, कौन से वार्ड से मेंबर है? अरे चलिए, अभी पूरी कोशिश ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो पहले जाकर के वोटिंग करें, उसके बाद कोई जानकारी वो दे पाएंगे, क्योंकि अब प्राथमिकता भी यही है कि सबसे पहले जाकर के वोट वो दें जिसके लिए इतनी मशक्कत की जा रही है, जिसके लिए बाड़ेबंदी की गई, जिसके लिए संजो करके सुरक्षित तरीके से रखा गया सभी मेंबर्स को। अब कोशिश यही हो रही है कि जाएं अंदर और वोटिंग करें, एक एक करके आ भी रहे हैं। शिवेंद्र, काउंटिंग हो पाएगी क्या, कितने बस से बाहर निकल रहे हैं, कितनी संख्या इनकी है, अंदाजा लग पा रहा है, पता चल रहा है कितने हैं? बहुत मुश्किल है दीपा काउंटिंग करना, क्योंकि इस बस में जिला परिषद सदस्यों के अलावा कांग्रेस के कुछ लीडर्स भी शामिल हैं, जैसे मुमताज मसीह को आपने देखा था, मुमताज मसीह के बाद और भी कुछ लोग थे जो कांग्रेस के शामिल थे, तो गिनती करने में तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार हम कर लेंगे तो काउंटिंग में पता चल जाएगा कि कितने मेंबर हैं। ये देखिए सरोज देवी आपको नजर आई हैं, ये सरोज देवी हैं जो आपको पीछे नजर आई हैं साड़ी में, ये खुद कैंडिडेट हैं जिला प्रमुख के लिए। और धीरे धीरे करके जो बस है उसमें से सारे लोग नीचे उतरते हुए अब नजर आ रहे हैं। जो इंतजार था जिस बात का कि वोटर्स कब यहाँ पर पहुँचेंगे, वो अब इंतजार दीपा खत्म हो गया है, वोटर्स सारे बस से नीचे उतर आए हैं वोट करने के लिए, अपना वोट डालने के लिए जिला परिषद कैंपस के अंदर वो पहुँच रहे हैं। दो चार मेंबर और अंदर बचे हैं जिनके आने का अब इंतजार है, और इन लोगों के वोट कास्ट होने के बाद किसी भी समय बीजेपी की जो बस है वो भी यहाँ पर पहुँचेगी, और बीजेपी के जो जिला परिषद के मेंबर हैं वो भी यहाँ पर अपना वोट करेंगे। दीपा बिल्कुल ठीक शिवेंद्र, जो रमा देवी के साथ में खबर ये आ रही थी बार बार, आपने भी कई दफ़ा ये कहा कि कुछ जो रमा देवी के समर्थन में मेंबर खड़े हुए थे वो कह रहे थे कि रमा देवी के साथ में वो हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं अभी बस से बाहर निकलते हुए, या फिर वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं? करना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बहुत सरल बताऊं कि जितने भी लोग इस बस में आपको जिला परिषद के सदस्य दिख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो न्यू कमर हैं, पहली बार जिन लोगों ने चुनाव जीता है, कोई बहुत ज़्यादा जाने पहचाने चर्चे नहीं है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर है कि सभी कांग्रेस के जिला परिषद के सदस्य बस से नीचे आ चुके हैं, और मुझे लगता नहीं कि बस में कोई बाकी बचा है, सारे जो मेंबर हैं वो बस से नीचे आ चुके हैं, जो बस है वो मेंबरों को छोड़कर यहाँ से रवाना हो रही है, तमाम जो कांग्रेस के जिला परिषद के मेंबर हैं वो अब इस कैंपस के अंदर हैं। अब हम कोशिश करेंगे आपको कि अंदर से कुछ हम तस्वीरें दिखाएं कि अंदर की क्या स्थिति है, अंदर किस तरीके से वो लोग गए हैं, कितना उनको इंतजार करना पड़ रहा है। पर फिर बद्री बागड़ा जी हैं, सबकी नज़र आप पर है, बागड़ा जी जीत रही है पुत्र वधू आपकी, पूरा जिला प्रमुख जीत रहा कांग्रेस का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रमा देवी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैकी मिल गए क्या? जैकी हमारे साथ है, सब हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बधाई दे दूं फिर मैं आपको, अभी इंतजार करें। अब बधाई तो आमजन को देना, जयपुर जिले की आमजन की पुत्र वधू है तो आपको भी तो बधाई देनी पड़ेगी। जयपुर जिले की पुत्र वधू है। तो देखिए बद्री बागड़ा जिनकी की पुत्र वधू चुनाव लड़ रही है, बागड़ा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बार फिर हमसे ये दावा किया है बातचीत में कि उनकी पुत्र वधू चुनाव जीतेगी, उनकी जो पुत्र वधू है उसको यहाँ पर अच्छा समर्थन मिलेगा, और बीजेपी की भी जो बस है वो किसी भी समय आएगी। लीगल टीम के सदस्य सर क्या कोई है, कितने समय में बस आ रही है आप? आगे पास ही है। तो देखिए बीजेपी की जो बस है दीपा वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जैसे हमको संकेत मिले हैं बीजेपी के नेता यहाँ पर हैं, हम कोशिश करेंगे। देखिए राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राठौड़ साहब लोग आ रहे हैं सर आपके? राठौड़ साहब लोग आ रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं सर जीत को लेकर, क्योंकि थोड़ा सा तो गेम बदल दिया है आपने? नहीं नहीं, जीत निश्चित तौर पर जीतेंगे। तो देखिए राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुँचे हैं जो प्रभारी हैं, और उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। उन्होंने रमा देवी को बीजेपी ज्वाइन करा के जो गेम है उसको पलटा भी है,
अब मैं बीजेपी की बस की तरफ दर्शकों को एक बार ले जाना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी की जो बस है वो भी यहाँ पर दीपा पहुंच चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीजेपी की जो बस है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। तमाम जो बीजेपी के मेंबर हैं वो इस बस के अंदर हैं और किसी भी समय ये लोग भी इस बस में से नीचे उतरेंगे। तो जो जिला प्रमुख की लड़ाई है जयपुर में वो बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस के लोग हैं वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और अब बीजेपी के लोगों का इंतजार है जिनकी की बस यहां पर पहुंच चुकी है। राजेंद्र राठौर उनकी अगुवाई करते हुए आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी लड़ाई है कि उनके जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौर, जो कि जयपुर जिले के प्रभारी भी हैं, वो खुद बस की आगवानी करते हुए आए हैं, बस के आगे आए हैं और उन्होंने दावा किया है बातचीत में कि बीजेपी की जीत होगी। तो जिला परिषद की जो लड़ाई है जयपुर में जिला प्रमुख की वो बहुत ही रोमांचक मोड़ पर है और जो तस्वीरें हैं दीपा, ऐसी उम्मीद हमने भी नहीं की थी कि जिला प्रमुख के चुनाव में हमको इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जैसी तस्वीरें। देखिए जो 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 बीजेपी के जिला परिषद के मेंबर हैं अब उनके निकलने का जो सिलसिला है दीपा वो शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र तमाम चुनौतियों के बावजूद, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है, सुरक्षा बहुत है, एसटीएफ है, राजस्थान पुलिस है, वो सबके बावजूद हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बीजेपी के जो तमाम लोग हैं उनका बस में से निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और राजेंद्र राठौर जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, राजेंद्र राठौर डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे कैसे लोग निकालने हैं, पहले किसको निकालना है, बाद में किसको निकालना है। राजेंद्र राठौर यहां पर पल पल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं राजेंद्र राठौर, और राजेंद्र राठौर की मौजूदगी से समझा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के लिए जिला प्रमुख का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि उधर महेश जोशी मौके पर थे, वो खुद यहां पर आए थे और बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौर मौके पर पहुंचे हैं। तो जो मुकाबला है जिला प्रमुख का वो बहुत ही कड़ा मुकाबला और बहुत ही रोचक तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से बस में एक एक करके जो बीजेपी के जिला परिषद के मेंबर हैं वो उतर रहे हैं। कांग्रेस के जो लोग यहाँ पर कुछ हंगामा हुआ है, कुछ विवाद यहाँ पर हुआ है। कोशिश करेंगे हम विवाद की तस्वीरें दिखाने की। कुछ यहाँ पर विवाद हुआ है, संभवतः किसी सदस्य को लेकर विवाद हुआ है। यहाँ पर धक्का मुक्की हुई है, हंगामा हुआ है। बड़ी खबर, जिला प्रमुख के चुनाव में भारी हंगामा, यहाँ पर बहुत हंगामा हुआ है। पुलिस में और भाजपा के नेताओं में धक्का मुक्की की स्थिति हुई है। राजेंद्र राठौड़ हमको उलझते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ साहब क्या कहेंगे? राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर हमको उलझते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। पुलिस में और बीजेपी के नेताओं में झड़प हुई है। राठौड़ साहब क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं पुलिस के लोगों पर? राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर बहुत नाराज हमको दिखे हैं। उन्होंने गर्मा गर्म बहस की है बीजेपी के लोगों से। भाई साहब क्या कहेंगे? बताइए क्या हुआ है? ये देखिए जो जिला परिषद के मेंबर है वो बहुत स्पीड से यहाँ पर निकलते हुए बहुत ही यहाँ पर तनाव भरी स्थिति भी है। भाजपा के कार्यकर्ता और राजेंद्र राठौड़ और जो भाजपा के लोग हैं उनमें गर्मा गर्म बहस हुई है। रामानंद गुर्जर हमारे साथ हैं, बीजेपी के जिलाध्यक्ष ग्रामीण के। रामानंद जी कितने लोग आए? हमारे साथ 27 लोग आए हैं। तो मान के चला कि जिला प्रमुख बीजेपी का बनेगा। देखिए राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आके आखिर पुलिस कर्मियों ने क्या स्थिति की थी। सर राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। आप सर नाराज हुए थे सर पुलिस पे, क्या पुलिस ने यहाँ पर कोई मिसबिहेव किया है? हमारे मतदाताओं को रोकने की कोशिश की जिस पर विवाद हुआ है। तो सर आप आश्वस्त हैं जीत के लिए? निश्चित तौर पर, बहुमत जिसका है वो जीतेगा। तो आपके साथ पूरे 26 लोग हैं सर? निश्चित तौर पर। तो ये राजेंद्र राठौड़ हैं जो काफी अपनी जीत के प्रति दिख रहे हैं दीपा, लेकिन बहुत ही मेहनत का काम हमारे लिए भी काफी मेहनत का काम, क्योंकि बहुत ज्यादा धक्का मुक्की, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, पुलिस की सुरक्षा काफी कड़ी है। लेकिन अब जो जितने भी जिला परिषद के मेंबर हैं 51 मेंबर, वो सारे मेंबर इस कैंपस के अंदर हैं। अब हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे कि बीजेपी के जो लोग हैं वो एक ग्रुप में आपको नजर आ रहे हैं। नारेबाजी हो रही है बीजेपी के फेवर में, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं अपनी जीत का, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो अभी अंदर हैं दीपा। जब वो लोग वोट करके बाहर आएंगे कांग्रेस के लोग, उसके बाद ही जो बीजेपी के लोग हैं वो वोट करने के लिए अंदर आएंगे। यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ फिर पहुंचे हैं,
राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर फिर पहुंचे हैं। राजेंद्र राठौड़ को आप देख सकते हैं, वो मतगणना स्थल जो वोटिंग प्लेस है वहाँ पर राजेंद्र राठौड़ वापस आए हैं। लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ही तनावपूर्ण ड्रामेटिक स्थिति है, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं दीपा के नाटकीय घटनाक्रम है। पूरे तरीके से जो माहौल है वो बड़ा टेंस है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक बार ऐसी स्थिति भी बनी कि वो लोग आमने सामने भी हुए। दीपा बिल्कुल अंदर अंदर जाने से रोका गया बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उनको, उसके बाद ये गहमा गहमी वहां पर हुई। लेकिन ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। एक तरफ कांग्रेस की कमान संभाली है महेश जोशी ने और दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ हैं जो बीजेपी के मेंबर्स को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दोनों ही तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब दावा जो किया जा रहा है कि उनके पास मुकम्मल मेंबर्स हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से, अब भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। हम सभी के लिए भी इंतजार करना होगा 5 बजे तक का, जब वोटिंग होगी उसके बाद जब रिजल्ट आएगा पूरी तस्वीर क्या होती है। बहरहाल जो दावा कांग्रेस कर रही है, जो दावा बीजेपी कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है इसको लेकर कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल। पहले महेश जोशी आए थे कांग्रेस के मेंबर्स के साथ में, उन्होंने कहा कि उनके पास मुकम्मल मेंबर्स हैं, जिला प्रमुख उनका बनेगा। लेकिन राजेंद्र राठौड़ जैसे यहां पर दिखाई दिए उन्होंने भी ये कहा कि उनके पास बहुमत है, जिला प्रमुख उनका ही बनना है। अब अपने अपने दावे हैं, अपना अपना तर्क है, होना क्या है, तस्वीर क्या होगी, जिला प्रमुख किसका होगा, कुछ भी कह पाना अभी असंभव सा दिखाई दे रहा है। आप कह सकते हैं दो तस्वीरें बसों के जरिए बाड़ेबंदी हुई, बसों के जरिए उसके बाद यहां पर मेंबर्स को लाया गया। अब एक एक करके वोटिंग के लिए अंदर मेंबर्स को भेजा जा रहा है। विवाद भी यहां पर हल्का सा देखने को मिला था, गहमा गहमी हुई पुलिस के साथ में, क्योंकि पुलिस ने रोका बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, मेंबर्स को। राजेंद्र राठौड़ लगातार रिएक्शंस भी दे रहे हैं, गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब यहां पर मेंबर्स पहुंच गए हैं तो उनको अंदर जाने दिया जाए, रोका ना जाए। अब नारेबाजी भी वहां पर हो रही है दोनों ही दलों की तरफ से। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, समझना होगा। जयपुर जोधपुर दोनों जिले आते हैं, एक बीजेपी का गढ़ और एक जहां से सीएम आते हैं। शिवेंद्र किसी से बात कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। शिवेंद्र किसी से बातचीत हो पा रही है कि वहां पर, क्योंकि दावे जो दोनों कर रहे हैं उस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल सा अभी दिखाई दे रहा है। शिवेंद्र शिवेंद्र किसी से बातचीत हो पा रही है क्या एक बार फिर से जो कैंडिडेट है उनसे? हालांकि बहुत ज्यादा सुरक्षा है, जैसे कि आपने भी कहा गुपचुप तरीके से उनको अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के जो दावे हैं उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। शिवेंद्र दोनों ही कह रहे हैं कि बहुमत उनके पास है। जो मेंबर हैं वो सारे लोग आपको, सारे लोग एक साथ ग्रुप में आपको नजर आ, बीजेपी के जो लोग हैं वो एक साथ आपको ग्रुप में नजर आ रहे हैं। दीपा यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस के जितने भी जिला परिषद के मेंबर हैं वो अंदर हैं, वो अभी अपना वोट डाल रहे हैं और उनका जब वोट कास्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद जो बीजेपी के लोग हैं वो अंदर जाएंगे। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और उनकी गिनती की जा रही है। बीजेपी के जो मेंबर हैं उनकी यहाँ पर हाजिरी लगाई जा रही है। बस में से उतरने के बाद भी बीजेपी को विश्वास नहीं है कि हमारे सारे लोग एक साथ हैं कि नहीं है, तो उनकी अब हाजिरी लगाई जा रही है। दूसरी तरफ जो राजेंद्र राठौड़ हैं वो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनसे हम एक बार फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो शुरू से ही जब यहाँ पर पहुंचे हैं तब से ही पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नहीं है। राठौड़ साहब, राठौड़ साहब, राठौड़ साहब, राठौड़ साहब, राठौड़ साहब, क्या 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 अभी आप संतुष्ट हैं? राठौड़ साहब हमारी जो व्यवस्था उससे संतुष्ट हैं? मैं कहता हूँ मैंने ऐसी व्यवस्था देखी नहीं, मतदान केंद्र पर ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा। और जिस प्रकार कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर हंगामा मचाए हुए हैं ये लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या आप कोई मांग करेंगे सर राज्य निर्वाचन आयोग से किसी तरह की? बिल्कुल मांग करेंगे हम। तो राजेंद्र राठौड़ काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं दीपा। उन्होंने ये कहा है कि मैंने इस तरीके का मंजर किसी भी चुनाव में नहीं देखा कि कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर हंगामा मचा दिया है, बीजेपी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा था क्योंकि एक ही समय पर दोनों पार्टियों के लोग यहाँ पर आ गए, जिस समय कांग्रेस के वोटर अंदर हैं ऊपर जहाँ पर अभी वोटिंग चल रही है, मैं वो जगह भी आपको दिखाता हूँ कैमरे से। ये जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ से मैं सुबह लाइव कर रहा था यहाँ पर अभी वोटिंग चल रही है, और जिस समय कांग्रेस के लोग अंदर वोट कर रहे थे उसी समय बीजेपी के लोग यहाँ पर पहुँच गए। तो मौके पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बन गई और राजेंद्र राठौड़ काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। अभी भी आप तस्वीरों में देखिए आप वो काफ़ी बहस कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के लोगों में, गर्मा गर्म बहस यहाँ पर देखिए आप, तस्वीरें देखिए दीपा। बहस यहाँ पर हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उनमें, लेकिन ये होना चाहिए था क्या? क्योंकि इतना ज़्यादा जो पूरा हवा क्रिएट किया गया इसकी ज़रूरत नहीं थी। पंचायत चुनाव है, आराम से भी ये हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से पूरा माहौल क्रिएट किया गया दोनों ही दलों की तरफ से, वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो।
शिवेंद्र, यहाँ पर भी डर है क्या? पहले बाड़बंदी तो की गई, वहाँ से सुरक्षित यहाँ तक तो लाया गया, लेकिन यहाँ पर भी डर है क्या? कोई खेला हो सकता है? डर है, डर है, डर है, पल पल डर है, दोनों पार्टियों को डर है, कांग्रेस भी डर रही है, बीजेपी भी डर रही है, दोनों को लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी तक की जो मेहनत है उस पर लास्ट मोमेंट पर पानी फिर जाए, क्योंकि उसकी तस्वीरें ये गवाही देती है कि यहाँ पर आने के बाद भी बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो जिला परिषद मेंबर हैं, उनकी गिनती की जा रही है। यहाँ पर अभी देखिए पुलिस के कुछ अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले आप बीजेपी के कैंप की तस्वीरें देखिए। बीजेपी का जो कैंप है वो व्यक्ति का साइन बजा रहा है, बीच में रमा देवी आपको नजर आ रही है लाल साड़ी में, जो लाल साड़ी में बैठी हुई है दीपा, वो बीजेपी की कैंडिडेट है जिन्होंने के कांग्रेस से बगावत करके, ये रमा देवी यहाँ पर आप देखिए, ये रमा देवी यहाँ पर नजर आ रही है जो बैठी हुई है। देखिए आप मीडिया से भी, मीडिया को भी ये लोग हटिए, पर भी इन लोगों को लग रहा है कि मीडिया से भी हमको दिक्कत हो सकती है, तो वो लोग मीडिया से भी कह रहे हैं दीपा के दूर हटिए। तो हम तो दूर आ गए हैं, लेकिन अब इन लोगों को वोट कास्ट करने के लिए अंदर जाना है। कांग्रेस के जो तमाम मेंबर हैं वो ऊपर हैं, वो फिलहाल वोट कर रहे हैं, लेकिन जितनी उम्मीद की थी उस उम्मीद से ज्यादा बढ़कर ड्रामा हुआ है जयपुर जिला परिषद मुख्यालय में, जहां पर अभी वोटिंग हो रही है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जो नेता उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया कि मैंने मेरे राजनीतिक कैरियर में इस तरीके का किसी भी मतदान केंद्र पर मंजर नहीं देखा जहां कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ के आरोपों में दम नहीं है, क्योंकि हमारे लोग तो ऊपर वोट कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर जब दोनों पार्टियों के लोग मौके पर पहुंचे हैं तो स्थिति तनावपूर्ण हुई है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। लेकिन फिलहाल की ताजा हमारे साथ शंकरलाल सैनी जी है। सर, क्या सभी व्यवस्थाएं कंट्रोल में है? देखिए एडीएम साहब तो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, और जो जिला कलेक्टर है वो आरोपी है, वो ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं बेहतर नहीं थी, जिला प्रशासन की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं थी, और जयपुर पुलिस की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर मुझे बेहतर नहीं दिखी। इतने बड़े चुनाव के बाद यहाँ पर कोई भी इतना बड़ा अधिकारी जयपुर पुलिस का जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें, वो मेरे को मौके पर नहीं दिखा, और यही कारण रहा कि बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये क्यों हुई, अब ये माहौल पूरा क्यों बना, ये इसकी जरूरत वाकई में थी क्या, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता था, जिसके पास बहुमत है वो जाकर के बहुमत साबित करे, वोटिंग करे और उसके बाद फिर अब प्रमुख बनाए। लग रहा है कांग्रेस को, लग तो ऐसा रहा कांग्रेस को समय ज्यादा लग रहा है, जानबूझकर ज्यादा समय लिया जा रहा है, जानबूझकर ही ज्यादा समय ले दी कांग्रेस, क्योंकि इतना काफी देर होगी उनको अंदर जाए हुए, काफी टाइम हो गया उनको घुसाने चाहिए। देखिए ये एक नया आरोप है बीजेपी के लोगों का कि कांग्रेस के जो लोग अंदर गए हैं वो जरूरत से ज्यादा समय लगा रहे हैं।